12वें IWEC अवार्ड 2019 में इस बार भारतीय महिलाओं का डंका बजा हुआ है। देश की इकोनॉमी में सहयोग देने के लिए दिल्ली के मंडी हाउस में फिक्की फ्लो ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश की ही नहीं बल्कि विदेशों की महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मानित किए जाने वाली वो महिलाएं हैं जिन्होंने छोटे से व्यवसाय को अपने दम पर बढ़ा कर आगे बढ़ाया है और महिलाओं को प्रोत्साहित किया है। इस आयोजन में 39 देशों की महिलाओं ने भाग लिया है। सम्मानित होने वाली 42 महिलाओं में 7 महिलाएं भारतीय भी शामिल हैं। दिल्ली की वरिष्ठ नागरिक क्लब की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। किरण चोपड़ा बहुत बड़ी समाज सेविका है। ये समय समय पर बुजुर्गों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। ये बुजुर्गों को अपने साथ घुमाने के लिए विदेशी दौरे पर भी लेकर जाती है। उनका मानना है कि इस प्रकार के सामाजिक कार्य कर उन्हें संतुष्टि मिलती है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि वह CSR के अंडर बहुत से कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन और जरूरतमंद महिलाओं के लिए बहुत से कार्य कर रही हैं। इस मौके पर इंडोनेशिया की महिला मोनिका को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि वह महिलाओं, सीनियर सिटीजन और अन्य बेसहाराओं के लिए काम करती हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में जितनी भी महिलाएं को सम्मानित किया गया है, उन सब ने अपने अपने देशों में जरूरतमंदों के लिए कार्य किए हैं। फिक्की ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग लेडी बॉडी मेंबर नेहा गर्ग ने कहा कि यह सम्मान महिलाओं के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। Asatyam Shivam Sundaram. You are our Om. You are our Namah Shivaya. दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारतीय बाजार अब नए व्यापारिक विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत आज एक मजबूत वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने और पूंजी बाजारों में तेजी के साथ बढ़ता सबसे पसंदीदा व्यवसाय स्थल है। IWEC पुरस्कार और सम्मेलन इस दिशा में सबसे उपयुक्त मंच होगा। FLO 2 दिनों में प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायक वैश्विक नेताओं और दिलचस्प व्यापार सत्रों की एक सरणी, पैनल चर्चा, गाला डिनर, सोसाइटी लाने में सक्षम है। From a very prestigious organization. To awaken the people, it is the woman who must be awakened. Once she is on the move, the family moves, the village moves, the nation moves, and when the nation moves, the whole world moves. Now is the time we all should move. We should empower more and more women. We are here to empower each other. Women empowerment means to empower women with education, employment, decision making, better health and better life. Thank you so much. 2007 में इसकी शुरुआत की गई। यह फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO
बार्सिलोना चेंबर ऑफ कॉमर्स, मैनहट्टन चेंबर ऑफ कॉमर्स न्यूयॉर्क और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की एक पहल है। सम्मेलन के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह हुआ, जहां 39 महिला उद्यमियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। भारतीय महिला उद्यमियों में फिक्की और संयुक्त प्रबंध निदेशक अपोलो अस्पताल समूह की वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगीता रेड्डी, इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी और पंजाब केसरी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक किरण चोपड़ा को सम्मानित किया गया। पंजाब केसरी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर किरण चोपड़ा को न्यूज़पेपर वर्ल्ड में विभिन्न चैलेंज को फेस करते हुए नई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया के फ्यूचर प्रोग्राम को लागू करने और अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए JR मीडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हुए युवा वर्ग को बेहतरीन अवसर प्रदान करने के तहत यह अवार्ड प्रदान किया गया है। उनका लक्ष्य दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य और उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने वाले किसी भी देश में अपना व्यवसाय विकसित करने का है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन्हें इस अवार्ड को पाकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ओके मैम, हाउ डू यू टेक दिस अवार्ड? एज ये आपको जो पुरस्कार मिलते हैं, ये कोई पहला पुरस्कार नहीं होगा आपको मिला है, तो आप ऐसे अवार्ड्स को कैसे देखते हैं, आपका नज़रिया क्या रहता है? हर पुरस्कार की अपनी वैल्यू होती है, चाहे पुरस्कार छोटा हो बड़ा हो, पुरस्कार पुरस्कार है। एंड दिस इज़ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड फ्रॉम वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। आई फील सो ऑनर्ड टू रिसीव इट। आपने जैसे इतना कुछ बताया, एक हम आपसे फिर से जानना चाहेंगे थोड़ा सा, जैसे हमने आपको हमेशा देखा है काम करते हुए, तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या सोचती हैं? भारत में वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान है, अब वो पूरा चल रहा है, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिल पा रहा है, या अभी भी ये सिर्फ एक बोलने की बात है? ऐसा है, जो एजुकेटेड फैमिली है उसमें तो बेटियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत से काम कर रही हैं, परंतु अभी भी बहुत सी फैमिली हैं जो अनएजुकेटेड हैं या गांव में हैं, जिनमें अभी भी जो सोच है वो बहुत छोटी सोच है, वो लड़कियों को आगे बढ़ाने में पीछे हटते हैं, क्योंकि इसके बहुत से रीज़न हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है हमारी इंडिया में, वो इसलिए कि बेटियाँ वो सोचते हैं कि जैसे ही बेटी पैदा होगी उसके तरफ से बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जैसे हमारे बहुत सी कस्टम्स हैं, बहुत से ईवल्स हैं जो सोसाइटी में प्रवेल कर रहे हैं, लाइक डाउरी सिस्टम, रेप सिस्टम, रेप है और एक्सप्लॉयटेशन है और फोर्स प्रोस्टिट्यूशन है, बहुत सी चीज़ें हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसके कारण वो चाहते ही नहीं कि बेटी हो। तो अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, और जो कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, मोदी जी का नारा है और इसको आगे लेकर हम चल रहे हैं, बहुत सी बेटियों को एम्पावर कर रहे हैं। जैसे मेरी एक संस्था है चौपाल, उससे मैं सेवा बस्तियों वाली और क्लस्टर में रहने वाली लड़कियों को एम्पावर करती हूँ, ताकि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें और काम करें, चाहे वो एक रेड़ी लगाएं या कोई छोटी सी दुकान लगाएं या कंप्यूटर सीखें या ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखें, उससे एम्पावर कर रहे हैं। पर ये एक व्यक्ति के करने से या एक ऑर्गेनाइजेशन के करने से नहीं होगा, ना गवर्नमेंट के करने से होगा। अगर हम सब इकट्ठे मिलकर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, समाज और प्रत्येक व्यक्ति की सोच बदलेगी, प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि हमारे घर की बेटी, बहू, बहन, पत्नी आगे बढ़े, तभी ये आगे बढ़ सकेंगी। तो हम चाहते हैं कि जो भारतीय नारी है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, सोशली इंडिपेंडेंट हो, और आई बिलीव कि पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट भी हो। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संगीता रेड्डी को तकनीकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बदलने और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने बेहतरीन टेक्नोलॉजी से युक्त मोबाइल क्लिनिक को भी लॉन्च किया है, जिसमें एक मरीज के इलाज के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने फ्यूचरिस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में भी योगदान दिया है। तो वहीं इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को इंडिया टुडे ग्रुप को भारत का सबसे सम्मानित और विविधतापूर्ण समूह बनाते हुए विश्वास, नेतृत्व और प्रशंसा के मजबूत कड़ी के रूप में जोड़ने के लिए दिया गया है।
इस कार्यक्रम में 18 देशों की 39 महिलाएं शामिल हुई। तो चलिए आपको मिलवाते हैं विदेशी प्रतिनिधियों से और जानते हैं कि उन्हें भारत आकर कैसा लगा। My name is Irma Sanchez and I am a brand ambassador from Inca Cola. It's a Coca-Cola brand and the owner is Elizabeth Chalas Berman and she's receiving this award today. Okay. How does it feel to be in India? Oh, I love to be in India. The people, the food, the spirituality and everything. I love this country. I am very grateful. Yes, it's my first time here in India. Have you visited any other places? I went to Calcutta. Okay. And how was the experience? Oh my gosh. My dream came true. I went to see the mother house. Okay. Mother Teresa has been, I get emotional. She's just everything in my life. My name is Teresa, so okay. There's a lot of connections. I visited the house. I visit disabled house for the disabled children. I was allowed to go in and experience the true work that goes there. But what was fascinating to me is also the new construction that's going on. The high-rise metro that is happening. I see a lot of construction and a lot of emphasis on the infrastructure of that city, which I was not expecting. So I really see a lot coming up for the future of Calcutta. I feel very welcome to India. Hi, my name is Liana Shauli. I'm the president and founder of Image Therapists International. We provide transformation through the empowerment of wardrobe for men and women all over the world. Because dressing is an embodied action. And it doesn't matter where you go, there you are. So might as well show up at your most amazing and beautiful self every time you show up. Yesterday you attended the session of Sri Sri Guru Shankar. Yes, and I love the Guru. He gave that meditation session for 12 minutes. Yes. How did you feel about that? I loved it. But I love Sri Sri. So we are very lucky that we have a center of Ravi Shankar we have there in Los Angeles. So it's a delight to be around him. And it's true. You take a few minutes to yourself every day and you calm yourself down. And that's a lot of where our powerfulness is in the silence. Then when you go from voice to silence is where there's a lot of empowerment. I'm Carmen Castillo. I'm the vice chair of IWEC. And in addition, I have a business that is called SDI International. It's a global supply chain management and purchasing and procurement services. Been in business for over 26 years. I've been in India a few times. I have some offices in Bangalore and Chennai, and I've been here before doing some other women's conference, and I love your country. Love your country. And we have quite a few JBD banquets lie hai. Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।